खबरों की खबर में आपका स्वागत है और मेरा नाम है संदीप शर्मा। अगर आपको ये महसूस करना हो कि दुनिया खत्म होने वाली है तो या तो 2012 टाइप की कोई पिक्चर ले आइए और उसे लगा लीजिए, या फिर कोई भी न्यूज चैनल लगा लीजिए और सबको दो दो मिनट अगर आप देखें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से चैनल में किसका पैसा लगा है। मसलन न्यूज 24 जो कि माननीय राजीव शुक्ला जी कांग्रेस के, उनका चैनल, उस पर खबर आएगी भारतीय जनता पार्टी ने फालतू का नाटक करके सदन से वॉकआउट करके पब्लिक का पैसा बर्बाद किया। इनके ऑपोजिशन कमल का फूल, जी न्यूज, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार का वॉकआउट करके मुंह तोड़ जवाब दिया। एनडीटीवी इंडिया, विनोद दुआ। बारिश के मौसम में साहब मूंग की दाल की पकौड़ी का जवाब नहीं। अरे यही चटनी कैसी बनाई है आपने? इमली इमली बहुत बड़ी बहुत बड़ी। ये दुकान आपके दादाजी की है? बहुत बढ़िया। और नीचे लिख के चल रहा है बाल ठाकरे जी की मृत्यु। डीडी न्यूज, सरदर्द दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो पहले प्रकार का दर्द होता है और सेकेंडरी, जैसा कि नाम से ही डॉक्टर साहब, दूसरे प्रकार का दर्द होता है। सर के अनेक प्रकार के दर्द होते हैं, फिलहाल हम दो पर ही चर्चा करेंगे। नीचे लिख के आ रहा, असम में बाढ़ से 500 लोग बह गए। और ब्रेक के बाद भाई और बहनों आपको जानकारी देंगे घर पतवार से कैसे निपटा जाए। टीटी अंडरवेयर एंड बनियान। और इंडिया टीवी, देखिए कैसे छछूंदर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगाना। वैसे भी न्यूज का कोई मतलब तो है नहीं, तो मेरी बात में मतलब क्यों ढूंढ रहे हो? बाल ठाकरे की शव यात्रा में ठाकरे भी मौजूद। अच्छा, टाइम्स नाउ, जिस पे आते हैं भारत के सबसे इंटेलिजेंट न्यूज एंकर। शाबाश। द नेशन वांट्स टू नो, ये सबसे अच्छा तरीका है आरटीआई का, बिना मरे आपको सारी की सारी जानकारी भी मिल जाएगी। आरटीआई के एक्टिविस्ट वैसे शहीद भी हो जाते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, लेकिन ये मुफ्त का इलाज है बाबा रामदेव की तरह। देखिए बड़ा लाभ मिलेगा, घर बैठे बड़ा फायदा मिलेगा आपको, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है आपका। जिनका नुकसान है उनके अपने कानों का नुकसान है जो इस न्यूज़ में बैठे रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो डायलॉग इस न्यूज़ में बोला जाता है वो है, अर्नब अर्नब लेट मी स्पीक, अर्नब अर्नब प्लीज़ लेट मी, प्लीज़ प्लीज़ माई ऑल्सो हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज़ मे अर्नब प्लीज़ लेट मी, कैन आई, हेलो हेलो, कट। कुल मिला के मतलब की बात यह है कि हमारे पास दिखाने के लिए न्यूज़ तो है नहीं, इसलिए एक मिनट की न्यूज़ पे दो घंटे तक बकबक करने के लिए हमारे स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं शरद पवार के लेफ्ट हैंड, राज ठाकरे के राइट हैंड, नारी मुक्ति मोर्चा की बड़ी बिंदी वाली आंटी जी विद फैब इंडिया साड़ी, पर्सन हु नेवर डज एनी स्वीट टॉकिंग, अरविंद केजरीवाल। और इसके साथ ही हमारे स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं, वाओ, द फैंटैबुलस, द मोस्ट इंटेलिजेंट, कांग्रेस के इंग्लिश मीडियम मनीष तिवारी, बीजेपी के मुस्लिम कार्ड शाहनवाज हुसैन, हमारे फैमिली फ्रेंड। वो भी नहीं मिलते तो प्रहलाद कक्कड़, और वो भी ना मिले तो फिर टू सेव द डे शोभा डे, और वो भी ना मिले तो फिर पर्सन हु हैज एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग अंडर द सन, इंडियन बॉन्ड, द नेम इज भट्ट, महेश भट्ट। हमारे इसके साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी मौजूद होते हैं इस न्यूज़ के अंदर, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उन्हीं के शब्दों में, हजारों जवाबों से अच्छी है उनकी खामोशी। लेकिन यहाँ पर आपको हजारों जवाब मिल जाएंगे, लेकिन मजे की बात यह कि आपको समझ कोई भी नहीं आएगा क्योंकि सब एक ही साथ बोल रहे होंगे, अर्नब अर्नब लेट मी स्पीक, अर्नब प्लीज़ लेट मी स्पीक, अर्नब अर्नब आई ऑल्सो मे आई प्लीज़, अर्नब अर्नब अर्नब। वो दिन में भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो बोलते हैं Tonight, जब कुछ समझ नहीं आता तो मारूफ 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 मारूफ। The nation wants to know, the only time I saw him well-mannered was when he did the interview with Raj Thackeray. Raj, देखो तमीज से मैं दूर बैठा हूँ, मैं चिल्ला भी नहीं रहा कि नेशन वॉन्ट्स टू नो, आम मन जो मन कर दे आराम, चाय मंगाऊं?
जज जो मन करे बोल दो, ऐसी जबरदस्ती आपने घर वाली बात है, मातोश्री एक्सक्लूसिव कवरेज देंगे हम, सही है ठीक है हाँ। अरे नहीं नहीं कोई अपनी घर वाली बात है, ऐसी कोई गलत बात थोड़ी है। हाँ जी हाँ जी। और इसके अलावा है बिजनेस चैनल, बिजनेस चैनल पे वो बता रहे कैसे रातों रात अपने पैसे को चार गुना करें। एक मिनट, पहले चार गुना करना बाद में बताना, ये बताओ कि भारत के टोटल घोटाले में कितने जीरो हैं। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़ पढ़ी, उसमें लिखा था 38, उसके बाद फ्रंट पेज पे एंड तक जितनी जगह बची थी 0000000। मैं तो हार गया जोड़ के, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, इतनी पढ़ाई मैंने नहीं करी, मैं नहीं जोड़ सकता। आप पहले ये बताओ। लेकिन इसके ऊपर ओपिनियन आया हिज हाइनेस हिज एक्सीलेंसी पी चिदम्बरम का, ऑन व्हाट बेसिस हैव यू डन दिस कैलकुलेशन। सर मैंने ये कहा, आपके मुंह से बदबू आ रही है। आपने कहा पहले ये बताओ मैंने खाया क्या। मैंने कुछ कुछ अंदाजा करके दो तीन चीजें बता भी दी, तो आपने कहा एग्जैक्ट चीज बताओ और ये भी बताओ कि उसकी रेसिपी क्या है, तब मैं मानूंगा कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है। और एक और न्यूज़ चैनल था जिसपे एक बहुत बढ़िया चीज़ आ रही थी, उस पर आ रहे थे एक महान शख्स जिनके आते ही लंगड़े दौड़ने लग जाते हैं, अंधों को दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिनके हाथ नहीं होते वो वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं, मिस्टर सलमान खुद शहीद, जो कि चैनल पे कह रहे हैं बहुत ही विनम्र कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के कि अरविंद केजरीवाल आए फरुखाबाद, आए फरुखाबाद, लेकिन वापस भी जाके दिखाएं फरुखाबाद से। वो कहना ये चाह रहे थे कि हमारे यहाँ ये नमकीन बहुत अच्छी है, यहाँ आओगे हम तुम्हें तब प्यार देंगे, तुम यहाँ से लौट के नहीं जाना चाहोगे। इसके अलावा और भी चैनल हैं जिनकी खबर हम लेंगे अगले एपिसोड्स में। और रुको एक मिनट, फोन आ गया। हाँ क्या महेश भट्ट भी नहीं मिले? कमिंग, ओके बाय।